नमस्कार दोस्तों, सैनिक वेलफेयर में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से एक ऑफिस मेमोरेंडम आया है 9 नवंबर 2017 को, और इस कार्यालय के ज्ञापन में कहा गया है CGHS के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पैनल्ड हैं उनमें इलाज करने के तरीके को और आसान बनाया गया है। इस संदर्भ में दोस्तों, अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया कि इस मंत्रालय ने CGHS के इम्पैनल प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के तरीके को सिंपल बनाने के संदर्भ में बहुत सारे सुझाव मिले हैं। इसलिए इस मैटर को बारीकी से अध्ययन करने के बाद यह फैसला लिया है कि CGHS के लाभार्थियों को प्राइवेट इम्पैनल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने के लिए अंडर CGHS रेट जो विशेषज्ञों द्वारा सुझाव दिए हैं, चाहे वह केंद्र सरकार के हों या फिर राज्य सरकार के स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल या CGHS के मेडिकल अफसर, उनके रेफरल और परमिशन लेटर की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल बिना किसी चार्ज के इलाज करेंगे, चाहे वह पेंशन भोगी हो, भूतपूर्व सांसद हो, स्वतंत्रता सेनानी हो या सेवारत सरकारी कर्मचारी हो जो CGHS और CSMA के लाभार्थी हैं। स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत और कोई अन्य कैटेगरी के लाभार्थी जो वर्तमान में CGHS में क्रेडिट पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, वे अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर CGHS मेडिकल ऑफिसर द्वारा जो प्रेस्क्रिप्शन दिए गए हैं उनको खुद सत्यापित करके ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में सबमिट कर दें। सेवारत सरकारी कर्मचारी भी जिनको गवर्नमेंट स्पेशलिस्ट और CGHS मेडिकल ऑफिसर द्वारा जो प्रेस्क्रिप्शन दिए गए हैं उनको ओरिजिनल एंड एक खुद द्वारा सत्यापित की हुई फोटोकॉपी मेडिकल क्लेम के लिए संबंधित मंत्रालय या अपने विभाग और या अपने कार्यालय में जमा करें। CGHS के मेडिकल ऑफिसर्स गवर्नमेंट स्पेशलिस्ट किसी भी लाभार्थी को किसी विशेष इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के नाम पर किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए रेफर नहीं करेंगे। CGHS बेनिफिशियरी अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट ले सकेंगे जो वर्तमान में CGHS के रेट उपलब्ध हैं उनके अनुसार CGHS इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में। दोस्तों, इस ऑफिस मेमोरेंडम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप स्टडी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।